सुप्रभातम प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक का अध्ययन किया, उस पर चर्चा हुई। अब आगे बढ़ते हैं विशेषण। विशेषण, विशेषण का अभिप्राय होता है जो विशेष हो वही विशेषण, अर्थात जिसमें कोई विशेष गुण हो, विशेषता हो या खास बात हो वही विशेषण। इसको इस रूप में कहते हैं कि विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द ही क्या है, विशेषण। इसको परिभाषित करते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं या बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। पुनः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे काली गाय पेड़ के नीचे बैठी है, काली गाय पेड़ के नीचे बैठी है, पहला। दूसरा, इस पेड़ के फल मीठे हैं। आप देखोगे बेटे कि यहां गाय संज्ञा है और विशेषता यह है कि काली, काला, काली और ये मीठे, ये दोनों फल की विशेषता, फल का गुण है, ये मीठे हैं और गाय क्या है, काली। तो आपने परिभाषा में सुना कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द ही क्या है, विशेषण है। तो यहाँ आपने काली और मीठे, ये दोनों क्या है, विशेषण शब्द हैं, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। अब आगे बढ़ते हैं, विशेषण के बाद होता है विशेष्य। विशेषण के बाद विशेष, विशेष क्या है, जिन विशेषण शब्दों से जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता प्रकट की जाए वही विशेष। संक्षिप्त में, विशेषण शब्दों से जिस व्यक्ति, स्थान की, वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है वो वस्तु, स्थान या व्यक्ति ही क्या है, विशेष्य होता है। जैसे आपने उदाहरण में देखा था, काली गाय पेड़ के नीचे बैठी है,
तो काली ये उसकी विशेषता हुई, और विशेष गाय, गाय विशेष फल मीठे हैं तो मीठा ये विशेषता और फल क्या विशेष। इस प्रकार आप पुनः जानें कि विशेषण शब्दों के द्वारा जिन व्यक्तियों वस्तुओं या स्थान की विशेषता प्रकट की जाती है वही विशेष कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण क्या है? तो बेटे प्रविशेषण सीधे सीधे है कि विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे जैसे मोहन, मोहन बहुत लंबा है, अब आप इस वाक्य में देखोगे बेटे कि मोहन बहुत लंबा है। मोहन लंबा है ये विशेषता है, ये विशेषण कि बहुत लंबा है। हाँ बेटे, तो आपने जाना मोहन लंबा है, मोहन लंबा है यह लंबा विशेषण है कि मोहन बहुत लंबा है, यह प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बहुत के द्वारा प्रकट की जा रही है, इसलिए यह प्रविशेषण है। धन्यवाद बेटे, बार बार देखें और नोट्स तैयार करें।